यूज नहीं किया, मैं कार्ड यूज करूंगा पैसे वाला मिल जाएगा, इसलिए मैंने अपना कार्ड कमाते हो तो इसलिए मैं कमाता तो नहीं गया। माशाल्लाह अल्लाह सबको देखो, सब कुछ आपका ही है, मतलब ये शायद हस्बैंड वाइफ अपनी समझ सकते हैं कि बियर में कभी कुछ नहीं बटा होता, क्योंकि एक दिन भी अगर उनकी बात करें जिनके मियां बीवी साथ होते हैं, तो हस्बैंड के बिना वाइफ कुछ नहीं कर सकती और वाइफ के बिना हस्बैंड भी आगे नहीं बढ़ सकता, दोनों की जोड़ी होती है। लेकिन जब आप सऊदी में कमाते थे वहाँ से कुछ गिफ्ट करते थे, आज अलहमदुलिल्लाह रेस्टोरेंट के बाद सच मुझे कभी नहीं, सर मुझे दिन बताया दिन का लेके परेशानी सोचा आपने, मतलब मेरा था ना आपने सोचा है। चलो मैं अपना वाला फ्रेंड्स आपको दिखा भी देती हूँ, मुझे ऐसे पैटर्न पसंद रहते हैं। अच्छा ये टॉप है और ये नीचे इसके पैंट्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार्स की दुनिया विद मी। तो फ्रेंड्स, सनी ने बता दिया है कि अब वो सबा के पैसों पर निर्भर नहीं हैं, अब वो अपने पैसों पर खड़े हैं। वो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं और उसी का खर्च वो करते हैं। अब वो अपनी बेबी की कमाई पर ऐश नहीं करते हैं, साथ ही वो सबा पर अब डिपेंड भी नहीं है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये सब बातें जो उन्हें हेटर्स ने कही थी, उन सब का जवाब देते हुए सनी ने दिखाया कि अब वो किसी की भी ऊपर डिपेंड नहीं है, उनकी अपनी कमाई है और वो जहाँ और जैसे दिल चाहे इसे खर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हुआ यूँ कि सनी गए थे मार्केट, फ़िलहाल सबा अभी कहीं नहीं जा रही हैं, 7-8 दिन से वो घर में ही हैं, उनकी तबीयत ख़राब है इस वजह से वो बाहर नहीं गई हैं। साथ ही उनकी प्रेगनेंसी को भी लेकर सवाल उठा रहे हैं कि वो इस वजह से बाहर नहीं जा रही हैं। जब सनी बाहर गए तब उन्होंने अम्मी के लिए रिज़ा रिहान के साथ ही सबा के लिए भी गिफ्ट लिए, सभी के लिए उन्होंने कपड़े लिए और वो लाकर उन्होंने अम्मी को और सबा को दिए। सबा और अम्मी इस चीज़ गिफ्ट को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और यहाँ पर उन्होंने बताया कि सबा, मैंने आपका कार्ड भी यूज़ नहीं किया है, ये मैं अपने पैसों से लाया हूँ, ये मेरी मेहनत की पहली कमाई है। ये बात तो सुनकर सबा फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि सबा का कहना था कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, सनी ने पहली बार अपने पैसों से मुझे कुछ ला कर दिया है। सबा ने ये भी कहा कि हस्बैंड और वाइफ में तेरा मेरा कुछ भी नहीं होता है, जो मेरा है वो सनी का है और जो सनी का है वो मेरा है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि सनी अब रेस्टोरेंट चलाते हैं, वहाँ पर पैसा कमाते हैं और उस पैसे को वो मेरे ऊपर खर्च करते हैं, तो मुझे इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुशी है। अब यहाँ पर जो लोग सनी को ट्रॉल करते थे कि बीवी के पैसों पर ऐश करता है, घर जमाई है, अब उन लोगों के मुँह पर ताला लग गया है, क्योंकि सनी अब घर जमाई या फिर सबा के पैसों पर ऐश नहीं करते हैं या फिर वो उनके पैसों पर डिपेंड भी नहीं है। सनी ने मुंबई में अपना अलग घर ले लिया है, साथ ही उन्होंने अपना रेस्टोरेंट भी बना लिया है जिसमें वो कमाई करते हैं। यहाँ पर सनी ने सबा को गिफ्ट तो ला कर दिया, लेकिन उन्होंने साथ ही अपने फैंस को और सभी जितने भी घर पर थे उन्हें सबको यही जताया कि देखिएगा, मैंने सबा के कार्ड से शॉपिंग नहीं की है, और सबको ये भी जताया कि वो अब सबा पर डिपेंड नहीं है, उनकी एक अलग बिजनेस है और उनकी एक अलग कमाई है, अब वो छोटे मोटे खर्चों के लिए सबा के ऊपर डिपेंड नहीं है। वैसे फ्रेंड्स, एक बात ये भी देखी जाती है कि व्लॉग में आधा व्लॉग तो सनी के ऊपर ही होता है, तो क्या व्लॉग में सनी का हिस्सा नहीं है? और वैसे दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि सबा और सनी दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, जो सबा का है वो सनी का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर सनी का मन था कि सबा अपनी पुरानी कार बेच रही हैं तो मैं न्यू थार ले लूँ अपने लिए, क्योंकि उन्हें उनका सपना है थार लेने का। लेकिन फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा लोगों ने ट्रॉल किया, इतनी बुरी बुरी बातें कहीं कि सनी तो निकम्मा है और सबा के पैसों को बर्बाद कर रहा है और अपने सपने पूरे करता है, ज़बरदस्ती थार ले रहा है। तब यहाँ पर सनी ने हाथ जोड़कर कहा कि भाई मुझे थार नहीं चाहिए और अगर मुझे लेनी होगी, मुझे अपना सपना पूरा करना होगा तो वो मैं अपने पैसों से करूँगा। तो इसका मतलब सनी को रेस्टोरेंट से अर्निंग होने लगी है और वो वहाँ पर मेहनत भी कर रहे हैं, साथ ही उनको नया बिजनेस है। अभी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा तो इनकम नहीं हो रही होगी, लेकिन इतनी तो होने ही लगी है जो वो अपने और सबा के छोटे मोटे शौक़ पूरे कर सकें। सबा की बराबरी तो खैर वो कर नहीं सकते, क्योंकि सबा का अपना एक अलग जो है कैरियर है, YouTube पर उनका चैनल है और जिससे बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। सनी अभी न्यू बिजनेस है उनका रेस्टोरेंट जो है, वो उसमें अभी इतना ज़्यादा नहीं कमा सकते, लेकिन फ़िलहाल ऐसा है कि वो अब सबा पर डिपेंड नहीं है छोटे मोटे खर्चों के लिए।
किसी की भी कमाई हो लेकिन अपनी अर्निंग जो होती है उसका मज़ा और ही होता है। इसीलिए सबा सनी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि सनी ने अपनी कमाई से मुझे कुछ ला कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।